अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हिरा इंग्लिश लेक्चर्स। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूअलिटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज कंबाइंस डिस्क्रीट एंड यूजुअल साउंड्स टू मेक वर्ड्स एंड मीनिंग्स। दिस टू लेवल सिस्टम इज कॉल्ड ड्यूअलिटी। ह्यूमन लैंग्वेज जो है ये ड्यूअल नेचर में है। एट फर्स्ट लेवल इट स्टडीज इंडिविजुअल साउंड्स, जैसे कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में है ए बी सी डी ई एट्सेट्रा, यानी कि इंडिविजुअल लेवल्स पर ये डिफरेंट लेटर्स को स्टडी करता है, इंडिविजुअल लेटर्स को स्टडी करता है। जैसे कि अगर हम उर्दू लैंग्वेज में लें तो हमारे पास आ जाता है अलिफ बा ता सा, तो हम इनको लेटर्स बोलते हैं। तो इंडिविजुअल साउंड्स में हम लेटर्स को स्टडी करते हैं, जबकि दूसरे लेवल पर हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स जो साउंड से हम प्रोड्यूस करते हैं, और इसी और लेवल्स को हम बोलेंगे ड्यूअलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूअलिटी इज ऑल्सो नोन एज डबल आर्टिकुलेशन। ह्यूमन लैंग्वेज इज ऑर्गेनाइज एट टू लेवल्स। एट फर्स्ट लेवल्स वी हैव द स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन में हमारे पास इंडिविजुअल साउंड्स आ जाते हैं, यानी कि लेटर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स है, तो जितने भी 44 साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो स्पीच प्रोडक्शन के लेवल में आ जाती है, जो हमारे पास फर्स्ट लेवल है। अब फर्स्ट लेवल में जो कि स्पीच प्रोडक्शन है, इट डजेंट हैव एनी मीनिंग, क्योंकि इंडिविजुअल साउंड्स ये किसी भी मीनिंग को कन्वे नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंग्लिश को ले लें तो एन ये एक इंडिविजुअल साउंड है, तो एन का कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर हम इसको डिस्क्रीट फॉर्म में ले लें, या बी है आई है, तो ये इंडिविजुअली किसी भी मीनिंग को कन्वे नहीं करता। इस तरह हमारे पास अगर हम उर्दू लैंग्वेज को देख लें तो वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स है या डिफरेंट लेटर्स है, जैसे कि अलिफ बा था, तो वहाँ पर इंडिविजुअली ये भी किसी मीनिंग को कन्वे नहीं करता। तो फर्स्ट लेवल में जितनी भी हमारे पास साउंड्स होंगे, जितनी भी हमारे पास लेटर्स होंगी, वो किसी भी मीनिंग को कन्वे नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इन इंडिविजुअल साउंड्स को एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज कर लें तो ये हमको स्पेसिफिक मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिविजुअल साउंड्स है दैट इज़ एन आई बी, लेकिन अगर हम इन साउंड्स को किसी स्पेसिफिक मैनर में अरेंज कर लें तो ये हमको देगा द वर्ड ऑफ निब। इस तरह हम एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, डैट इज़ बी ओ ओ के। अगर हम इन चारों इंडिविजुअल वर्ड्स को ले लें तो ये हमको एक स्पेसिफिक वर्ड देगा, बुक, जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग भी है। तो इस तरह अगर हम इन सारे वर्ड्स को इंडिविजुअल लेंगे तो ये किसी भी मीनिंग को कन्वे नहीं करेगा। बट इफ़ वी टेक ऑल दीज साउंड्स इन अ स्पेसिफिक मैनर, इट विल गिव अस अ स्पेसिफिक मीनिंग। अब हमारे पास सेकेंड लेवल आ जाता है, जिसमें अगर हम वर्ड्स को किसी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में डाल लें तो ये वर्ड्स को डिफरेंटली मीनिंग देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास साउंड्स थे एन आई बी, तो उसने हमें वर्ड दिया निप। लेकिन अगर हम उन्हीं साउंड्स को ले लें और इसी को किसी और कॉम्बिनेशन में डाल लें, किसी और कॉम्बिनेशन में अरेंज कर लें, जैसे कि बी आई एन, तो ये हमको एक और मीनिंग देगा, एक और वर्ड देगा, जिसका मीनिंग भी कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। तो हमारे पास एक लेवल में बिन आ जाता है, तो दूसरे लेवल में अगर हम उसी कॉम्बिनेशन को डिफरेंट कर ले तो ये उसका मीनिंग भी डिफरेंट आ जाएगा, जैसे कि बिन है और फिर निप है। तो इन टू वर्ड्स की कम्बिनेशन भी अलग होगी और इन टू वर्ड्स की मीनिंग भी डिफरेंट होगी। तो एक लेवल में हमारे पास साउंड्स आ जाते हैं और दूसरे लेवल पर हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स आ जाती है जो डिफरेंट मीनिंग्स को कन्वे करते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज ड्यूअलिटी। अगर हम ड्यूअलिटी की बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में ये एबिलिटी नहीं है। एनिमल्स लैक द प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूअलिटी इन देयर लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेट कैट है एंड दैट कैट इज़ हंग्री। अगर वो अपने हंगर को एक्सप्रेस करेगा तो वो एक साउंड को प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इज़ द साउंड ऑफ मियाओ। तो अगर वो दोबारा किसी और फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रही है, सपोज दैट फीलिंग इज़ द हैप्पीनेस, तो वो ये नहीं कहेगा कि ओ मियाओ। और अगर वो किसी एक्सप्रेशन को, जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस है, अगर वो इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि नी ओ, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एनिमल्स का जो लैंग्वेज है उसमें ड्यूअलिटी नहीं है, वो ड्यूअल नेचर में नहीं है। तो वो एक ही साउंड को प्रोड्यूस करेगा जिसको वो कभी भी चेंज नहीं कर सकता। इन द नटशेल
हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस में ड्यूअलिटी की प्रॉपर्टी है एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ह्यूमन बींग्स यूज साउंड्स एंड दे कैन यूज दीज साउंड्स फॉर डिफरेंट मीनिंग्स. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक टू एनिमल्स, एनिमल्स दे डोंट हैव दिस एबिलिटी एंड दे कैन नॉट चेंज देयर साउंड्स एंड दे कैन नॉट यूज द सेम साउंड्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट मीनिंग्स. तो ये था आज का लेक्चर. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. Thank you for watching this video.